दो दिन पहले जो लाहौर में लोगों का लाखों का समुंदर सड़कों पर निकला, वो उस जुल्म और ज्यादती का रद्द अमल था जो हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुलाई 2017 के बाद हुआ। वो शख्स, वो कायद जिसने इस मुल्क को एटमी कुवत बनाया, वो शख्स जिसने इस मुल्क को मोटरवे का जाल दिया, वो शख्स जिसने इस मुल्क की आइंदा आने वाली नस्लों को संवारने के लिए सीपैक का तोहफा दिया। लेकिन अफसोस की बात कि हम मुंतखब वजीर आजमों को काल कोठरियों में भेजते हैं और वो डिक्टेटर जिसने आइन तोड़ा, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका, आज वो मुल्क से भागा हुआ है। आज कोई कानून नहीं है जो उसको वापस ला सकता हो, क्योंकि उसने आइन जो तोड़ा, इतनी छोटी खता। और एक लाडला जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने पीटीवी के ऊपर हमला किया, जिसने 120 दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने गंदे कपड़े लटकाए, वो शख्स जिसने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात की, वो शख्स जिसने लाहौर को, पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को जला देने की बात की, उसको लाइव कवरेज भी मिली और उस लाडले को इंसदादे दहशतगर्दी से वो बरी भी हुआ। फॉरेन फंडिंग केस आज तक इलेक्शन कमीशन में आवाज़ बनकर खड़ा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो लाडला है। लेकिन जो हमारे कायद हैं, उनका मुकाबला इन छोटे छोटे सियासी बोनों के साथ नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला उन कुवतों के साथ है जिन्होंने 17 मुंतखब वज़ीर आज़मों का मैंडेट पूरा नहीं होने दिया। और आप देखा आपने परसों जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लैंड हुए, तो जो फोर्सेस, रेंजर्स, जितनी वहाँ सिविल आर्म्ड फोर्सेस मौजूद थी, कोई दहशतगर्द आ रहा था, कोई मुसल्ला आदमी आ रहा था जो इतने ज़्यादा फोर्सेस, दो पुलिस के बंदे, और वो तो सरेंडर करने आ रहा था, वो तो खुद आ रहे थे कानून के आगे अपने आप को पेश करने। तमाम ज्यादतियों, इंसाफ के ऊपर शदीद तहफ़ुज़ात होने के बावजूद उस शख्स ने वो वादा निभाया जो आपके साथ किया था। और आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल करम से जुलाई के फैसले के बाद, 2017 को जो फैसला आया जुलाई में, उसके बाद आप लोगों का रद्द अमल हर रोज़ बढ़ता गया। अवामी अदालत ने उन फैसलों को मुस्तरद किया और इंशाल्लाह ये जो फैसला आया है जिसमें 171 पेज पे जज खुद लिखता है, कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जब वो एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर था, दो दफ़ा चीफ मिनिस्टर था और तीन दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म था, ये जज खुद लिखता है कि एक भी पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट, जब इन तमाम पब्लिक ऑफिस को उन्होंने होल्ड किया, एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। फैसला खुद कहता है, फैसला खुद सादिक और अमीन होने पर वोट लगाता है, खुद मोहर लगाता है। और उसके बाद दूसरे ही पैराग्राफ में जज साहब खुद लिखते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है, उसका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो इल्ज़ाम थे जो इल्ज़ाम खान कोर्ट में लेकर गया था, ये वो इल्ज़ाम थे जो साबित ना होने पर तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को 10 साल सज़ा सुनाई गई, ये वो इल्ज़ाम था जो साबित ना हुआ, उसकी मुआवनत करने पे हमारी बहन, आपकी बेटी को 7 साल कैद सुनाई गई। कल उनको जब कहा गया कि आपको बेहतर क्लास दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वही क्लास लूँगी जहाँ सब कैदी रहते हैं और मैं उसी जगह के ऊपर रहूँगी जहाँ सब लोग रहते हैं। ये है वो दलेर बेटी, दलेर कौम की बहादुर, वो बहादुर लीडर अपनी बेटी की उंगली पकड़कर अपने साथ पाकिस्तान के कानून के आगे हुक्मरानी, अवाम की हुक्मरानी, अवाम की बालादस्ती के लिए आए हैं। बोहतान खान, इल्ज़ाम खान, वो झूठा ना अहल और नलायक आदमी जिसने पेशावर में दुनिया के सबसे महंगे खंडरात खोदकर पेशावर के लोगों में छोड़ के आया है, जो पंजाब की मेट्रो बस को कहता था कि ये जंगला बस है, और उसी साल, पिछले 10 साल की बात ना करें, इन्हीं 5 सालों में
इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बनी, मुल्तान मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बस सर्विस हर शहर में इस वक्त मौजूद है। और उसके बरक्स हमारी मेट्रो को कहता था कि 80 अरब की मेट्रो लाहौर में बनाई है और खुद और जो टोटल मेट्रो पे लागत आई है वो 29 अरब है और अपनी मेट्रो उतनी ही लंबी जो मेट्रो जिसकी साइज है वो 70 अरब के खंडरात और खड्डे खोद कर पेशावर के लोगों को देकर आए हैं। ये हैं वो लोग जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं। अपनी इश्तिहारी कैंपेन जो इस वक्त टेलीविजन के ऊपर चल रही है उसमें सरकारी हस्पताल के नाम पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो प्राइवेट हस्पतालों की तस्वीर है। उनके पास सरकारी अस्पतालों में एक भी कमरा दिखाने को नहीं है जो 5 साल में नया बना हो। एक भी बस, पुरानी बसों को पेंट कर लेते हैं इमरान साहब तो ताकि हमें तसल्ली होती। जब डेंगी आया, शहबाज शरीफ साहब पे बात करते हैं, जब डेंगी आया तो खुद बनी गाला में जाकर घुस गए और नथिया गली में जाकर बैठ गए। तो पंजाब ने वहाँ से मेडिकल टीम जो थी, शहबाज शरीफ साहब ने सियासत नहीं की। लाहौर में 3 हफ्ते पहले जब बारिश हुई उस पर सियासत चमकाई। जितना दौरे उस दिन लाहौर शहर के किए उस दिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के इतने दौरे किए होते 5 साल में तो उन लोगों को, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को कोई तसल्ली होती। कहते हैं कि मैं तब्दीली ला रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन तब्दीली ला रहे हैं उस तरक्की को भी ख़त्म करने की जो इस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 5 साल और जब जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इस मुल्क में हो उस पे एक शख्स का नाम है और एक ही तख्ती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ। हमारा कायद तो वो है जो गाली को भी इमरान साहब कहकर सुनता है। हमारा कायद तो वो है जिसको आप कहते हैं कि वजीर आजम को गर्दन से उठाकर घसीट कर वजीर आजम हाउस से ले आओ, यही बात कही थी धरने में, उन्होंने आगे से इमरान साहब कहकर मुखातिब किया। हमें, हमारे लीडर, हमारे कायदीन और शहबाज शरीफ साहब ने जो खिदमत की सियासत दी की है वो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। और वो लोग जो शायद यहाँ 1-2 लोग खड़े हों जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ना हो, लेकिन मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग मेरिट पे वोट दें, खिदमत को वोट दें। 5 साल पिछले आप खुद मुआयना करें कि पंजाब में क्या हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। और कराची में भी हुकूमत मौजूद थी, कहते हैं मुझे एक दफ़ा आजमा के देखो, एक दफ़ा आजमा कर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी, आजमाया था आपको। मुझे बताएं कि एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी हस्पताल, एक भी हस्पताल के अंदर नया कमरा, एक भी स्कूल के अंदर नया कमरा, मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी एक नया कमरा। कहते हैं हमने 19 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, फिर कहते हैं हमने जो यूनिवर्सिटियाँ मौजूद थी उनको पेंट किया है, फिर उसके बाद कहते हैं हमने नए हस्पताल बनाए हैं, फिर कहते हैं हमने अस्पतालों को पेंट किया है। मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी नया अस्पताल, कोई भी नया स्कूल या जो स्कूल मौजूद थे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, उसमें एक भी नया कमरा दिखाएं। उसके बरक्स 19 यूनिवर्सिटियाँ 5 साल में पंजाब में बनी। 2000 किलोमीटर की सड़कों को मेन मोटरवे की सड़कों के साथ मिलाया गया। 11000 मेगावाट दहशतगर्दी का जो आलम था वो आप लोगों के सामने था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था और आज पाकिस्तान की अवाम की खिदमत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि 25 जुलाई को शेर पर मोर लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत को और मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बानी को आप लोग शेर पे मोर लगाकर सुरखरू करेंगे इंशाल्लाह।